लड्डू बनाने के लिए हमने लिया है एक पाव घी, चार पांच कटे काजू के टुकड़े, आधा केजी मोटा बेसन, आधा केजी बुरादा। आइए अब हम लड्डू बनाने की विधि शुरू करते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, हम इसमें घी डालेंगे। गैस तेज कर लेते हैं थोड़ा। घी गर्म हो जाए अच्छे से तो बेसन डालेंगे। घी गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बेसन डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे घी में ताकि ये जले ना। बेसन को धीमे आंच पे ही भूनना है, नहीं तो फिर ये जलने लगता है। तब तक भूनेंगे जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। इसे भूनने में कम से कम 15 मिनट लग जाते हैं। धीमी आंच पे इसे भूनेंगे, लगातार इसे चलाते रहिए। ये देखिए अब बेसन लगभग तैयार है, हल्का ब्राउन दिखाई दे रहा है। इसे हमें धीमी आंच पर ही भूना क्योंकि अगर तेज आंच पर भूनेंगे तो फिर जल जाएगा। ये देखिए घी छोड़ रहा है, इसका मतलब कि बेसन भून गया है। लगभग 15 मिनट लगे हमें भूनने में से। घी छोड़ रहा है इसका मतलब कि बेसन तैयार है। गैस बंद कर देते हैं, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं 10 मिनट के लिए। बेसन ठंडा हो गया है, इसमें हम बूरा मिलाएंगे। कटे हुए काजू के टुकड़े मिलाएंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है इसे, थोड़ा गर्म ही रहेगा तभी बुरा मिक्स हो पाएगा। आप बुरादा घर पे भी पीस करके चीनी को
से बना सकते हैं। ये देखिए मिक्स हो गया है। मीठा स्वादानुसार डाल सकते हैं, कोई ज्यादा मीठा पसंद करता है, कोई कम पसंद करता है। खास तौर पर बच्चों को बहुत पसंद है। ये देखिए लड्डू तैयार है। इसी प्रकार से हम दूसरे लड्डू बनाते हैं। ये देखिए इसी तरह से हम और भी लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए अब बेसन के लड्डू तैयार हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसे कभी भी बना सकते हैं। ये देखिए बेसन के लड्डू तैयार हैं।